नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। किसान विरोधी कानून पर केंद्र सरकार पर हल्ला बोलने के लिए पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ देपालपुर पहुंचे, जहां पर कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। इंदौर से भी किसान भाइयों के साथ ट्रैक्टर लेकर कई नेता पहुंचे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने देपालपुर पहुंचकर श्री 24 अवतार भगवान के दर्शन करें। इसके बाद वो ट्रैक्टर रैली के रूप में इंदौर रोड स्थित श्री जगदीश पटेल वेयर हाउस पर पहुंचे, जहां आम सभा को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के साथ पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, पूर्व पार्षद सोनिया शुक्ला, संभवी शुक्ला सहित इंदौर और मालवा निमाड़ के कांग्रेस नेता शामिल हुए। ट्रैक्टर रैली में बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। साथ ही 15,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भोजन की व्यवस्था विधायक संजय शुक्ला द्वारा देपालपुर में रखी गई। ट्रैक्टर रैली का स्वागत करने में देपालपुर क्षेत्र के कई नेताओं ने मंच लगाए और पूरे देपालपुर को पोस्टर और बैनरों से पाट रखा था। ट्रैक्टर रैली और आम सभा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने भी चाक चौबंद व्यवस्था की। जो किसानों की आवाज थी उसे कुचलने का प्रयास किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं रही है, सबसे बड़ा वर्ग अपने देश में किसान है और जिस प्रकार से निजीकरण हमारे कृषि क्षेत्र का इनका प्रयास है, ये तीन काले कानून को लेकर लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर में आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारे प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था को तबाही होगी। हमारी जो आर्थिक गतिविधि है इंदौर की, जहाँ किसान आता है, जिसके जेब में कुछ पैसा होता है, क्रय शक्ति होती है, तभी हमारे इंदौर का, हमारे बड़े शहरों का बाजार चलते हैं। ये सब चौपट होने जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं सर। और हम किसानों के साथ खड़े हैं कि कल जो टीम इकट्ठा हुई थी वो यूथ कांग्रेस के गुंडे थे भोपाल में। देखिए, ये कह देना गुंडे हैं, प्रशासन और शिवराज सिंह जी कहेंगे क्या? उनके पास कहने को कुछ बचा है? शराब की बात करेंगे, शराब पर ध्यान है। आज महिलाओं पर अत्याचार ऐतिहासिक है, सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा भर्ती हुई बेरोजगारी मध्य प्रदेश में, ये आज हालात, ये चित्र है। तो मैं तो एक ही अपील करता हूँ मध्य प्रदेश की जनता से कि भविष्य सुरक्षित रखें, सच्चाई को पहचाने, सच्चाई का साथ। किसानों में बहुत उत्साह है और रोष भी है कि ये जो तीन बिल जो पास किए गए हैं, इसमें तो अमीर लोग अमीर होते जाएंगे, गरीब लोग गरीब होते जाएंगे, अन्न की कालाबाजारी काफ़ी बढ़ जाएगी, MSP रेट नहीं तय हो रहा है। मैं इनका पूरा समर्थन करती हूँ और मैं तो बाकी और सब लोगों से ही बोलूँगी कि आए, और क्योंकि भारत अपना कृषि प्रधान देश है, 80% जो हमारी आबादी है ये पूरे सब किसानों का है। अंबानी अडानी इनके लिए सारे नियम बन रहे हैं पूरे, तो ये तो बहुत ही ख़राब है और इसका मैं पूरा विरोध कर रही हूँ इन बिल को। और MSP जो है किसानों की वो बढ़ाई जाए, इसके लिए मैं आह्वान करती हूँ। जो दूसरे प्रदेश में भी लोग हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें और इसका पूरे रूप से विरोध करें। आज इस ट्रैक्टर रैली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आ रहे हैं और भी कई नेता आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सब पुराने वरिष्ठ लीडर हैं जो देश के लिए बराबर, देश के हित के लिए इनने काम किया है और आज आगे आके बढ़ के कर रहे हैं। हम सबको चाहिए कि उनका साथ दें, कदम से कदम बढ़ा के उनके साथ पूरा आंदोलन को सफल बनाएं। आपका सोनिया शुक्ला। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।